सरकार के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के 15 महीने बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक लौटाए गए नोटों की गिनती गुणा भाग और असली नकली होने की पहचान में लगा हुआ है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि वो तेजी से इस काम को कर रहा है, साथ ही लौटाए गए नोटों के असली नकली होने के साथ ही उनकी सही गिनती गणितीय रूप से मिलान का काम कर रहा है। सूचना के अधिकार के तहत द्वारा दाखिल अर्जी का जवाब देते हुए रिजर्व बैंक ने ये बात कही। रिजर्व बैंक के अनुसार इन बैंक नोटों की अंक गणितीय सटीकता और वास्तविकता की पहचान की जा रही है और इनका मिलान भी किया जा रहा है, इसलिए इस संबंध में मिलान एवं गणना की प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही जानकारी साझा की जा सकती है। नोटबंदी के दौरान बंद हुए नोटों की संख्या जानने के लिए दाखिल की गई इस अर्जी के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक को मिले पुराने नोटों का अनुमानित मूल्य 30 जून 2017 तक 15.28 लाख करोड़ रुपए रहा है। हालांकि सत्यापन गणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसमें भविष्य में संशोधन की संभावना बनी रहेगी। इस काम के खत्म होने की समय सीमा के बारे में बैंक ने कहा कि इसे बहुत तेज गति से अंजाम दिया जा रहा है और जांच और सत्यापन में 59 मशीनें काम में लगी है। हालांकि बैंक ने इन मशीनों के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।